हाँ भाई मानी, क्या सीन है? सीन ऑन है, वो है सेलिब्रिटी हो गई है और इस बार बड़ी मछली हाथ आई है, अपनी कोई फिल्म प्लग करना चाहती शायद। अरे स्वीट भाई, बहुत आला। अगर बड़ी मछली है तो फिर तो ज्यादा मजा आएगा सरप्राइज में। मेरे ख्याल से आज जो है ना रेटिंग भाई छत फाड़ कर निकल जाएगी और आवारा गर्दी करेगी। कितनी देर में शुरू करना है? 60 seconds। अरे 60 seconds, स्टार ऑन टाइम आ गई है क्या? हाँ 20 मिनट हो गए, बॉस के रूम में बैठी हुई है, चाय भी चूस चुकी है। अरे पीने दो, चाय पीने दो, यहाँ आएंगे तो फिर हम तोते उड़ा देंगे। आने तो मैं शुरू कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। डन। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो द बिग सरप्राइज। मैं हूं आरजे रेज, नोन एज मिस्टर वेज। जी हमेशा की तरह हर इतवार के बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत सारा ग्रूवी म्यूजिक जिसको सुनकर आप झूम जाएंगे और मस्ती में घूम जाएंगे। जी और हमारे पास मौजूद है एक सरप्राइज गेस्ट जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कौन है, क्या है, क्या शय है और वो है भी कि नहीं। और अगले 5 सेकंड में वो हमारे साथ होंगे। हाँ शो शुरू होने वाला है, बाद में कॉल करना। 5, 4, 3, 2, 1। रिस क्या कर रहा है, एयर टाइम खा रहे साले, कुछ तो बोल। रिस, रिस बोल ना। वेल हेलो 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 हेलो, आयमा खान, वाओ, वेलकम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बट बिफोर वी स्टार्ट, लिसनर्स आई लव यू ऑल। लिसनर्स मेरे साथ, आपके साथ, यानी कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मुल्क की अजीम फनकारा आयमा खान, हर दिल अजीज सुपरस्टार। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं, काफी बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। सरप्राइज तो मेरे लिए भी है। जी बिल्कुल, आपके लिए भी है लेकिन मेरे लिए जरा ज्यादा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता यकीन आ ही जाएगा कि मैं ही हूँ। अरे यकीन का क्या है, यकीन आए या ना आए, और जाहिर सी बात है जब आप जैसी अजीम शख्सियत मेरे सामने बैठी है तो यकीन भी शक की कैटेगरी में चला जाता है। Let me pinch myself। अरे आराम से, जोर से ना नोच लीजिएगा अपने आप को। लगता है आप थोड़े नाजुक मिजाज के हैं, और वैसे भी मुझे प्रोड्यूसर ने कहा है कि शो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तो जरा नाजुक नाजुक मिजाज में हुआ करता था लेकिन वक्त ने मुझे बहुत सख्त बना दिया है नाखूनों की तरह। ओके अबे कुछ तो बोल, कट टू सॉन्ग। तो कैसा फील कर रही हैं आप? अच्छा लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ। बस थोड़ा सा मुख्तलिफ। क्या कर रहा है तू, गाने पे जा। तो लिसनर सुनते हैं आज का पहला गाना और उसके बाद हम पता करेंगे कि आयमा खान को कैसा म्यूजिक पसंद और इनको कौन और क्या आजकल बिजी रखे हुए। आज का पहला गाना सुनते हैं जी, हर जुल्म तेरा याद है भाई सज्जाद अली। आयमा खान कैसा लगा गाना? गाना तो अच्छा था लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ गाने में कहा गया हो वो सब सच भी हो। सच क्या है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता, सच बहुत रिलेटिव टर्म। जी आपका झूठ मेरा सच भी हो सकता है और मेरा सच आपका झूठ भी। व्हाट, आप शायद उल्टा कह गए। आप उल्टा सुन गए। मैं तू क्या कर रहा है, सवाल पूछ यार। तो आयमा खान आप लिसनर्स को कुछ ऐसा बताइए जो आपके फैंस आपके बारे में ना जानते हो। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। I will answer to the best of my ability. खैर ability तो बहुत है आप में। ये बताइए कि आपकी degree तो mass communications में है ना? जी,
मैंने मैस कम्युनिकेशन में एमए किया हुआ है इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से। वाओ क्या हसीन इत्तेफाक है, मैंने भी। ये बताइए कि आप एक्टिंग की तरफ कैसे हैं? क्या टॉक करते हो? फनी। इरिटेट हो रहे हैं आप? नहीं जी, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। शक्ल तो आपकी ठीक ठाक है जी। इस तरह की तारीफ में यूनिवर्सिटी के टाइम पे काफी सुन चुका हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग दिल रखने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं, और दिल से खेलना कोई अच्छी बात नहीं होती। अरे आपके पास भी दिल जैसी चीज है, गुड टू नो। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको दिल की इम्पोर्टेंस पता है। अरे सीईओ की हट रही है और लोग फोन कर करके गालियां दे रहे हैं, गालियां। मैं जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ वहां रह के इंसान हर चीज की इम्पोर्टेंस जान ही जाता है, और दिल उसमें शामिल है। तो कोई ऐसा गाना सुनना चाहेंगे जिसमें दिल का जिक्र हो? Yes, दिल दिल पाकिस्तान। मुझे जुनैद जमशेद की आवाज से इश्क है। तो आइए लिसनर्स सुनते हैं टेलर स्विफ्ट का गाना शेक इट ऑफ। हेलो यार, मैं तुझसे कह रहा हूँ तो कुछ होगा, फॉर्मेटी बदल गया, तू क्या कर रहा है? कुछ मूड को लाइटन अप कर यार, पीछे से कॉल्स आ रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैम की फिल्म के बारे में बात करो, बहुत गाने वाने लगाओ, थोड़ा मूड को लाइटन अप करो। दैट्स इट, थैंक यू। वेलकम बैक लिसनर्स, आज हमारी मेहमान है आयमा खान। आपकी एक नई फिल्म आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, फ्राइडे को मेरी नई फिल्म गलत फैमिली रिलीज होने वाली है। वैसे नाम गलत फैमिली भी हो सकता था। इट्स अ कॉमेडी फिल्म बट विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। जी, मैसेज तो बहुत जरूरी है। क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको इससे ज्यादा बताने की इजाजत नहीं देता? क्योंकि इजाजत जिंदगी के हर मामले में बहुत जरूरी है। मुझे बिल्कुल इजाजत है, आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। मुझे आप थोड़े से इंपेशेंट आज लगते। मजाक कर रही। मजाक, अपनी फिल्म के बारे में बताइए। कहानी ये है कि एक लड़का और एक लड़की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दोनों तो एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। लड़का थोड़ा इम्पेशेंट है, शक्की है, शक्ल ठीक ठाक है लेकिन शक बहुत करता है, बल्कि कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे वो एक फुल ब्लडेड मर्द ही ना हो, यू नो, शक्की। ऊपर से उसकी फैमिली उसे प्रेशराइज कर रही है कि वो जल्दी शादी करे, लेकिन लड़की इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। लड़की अच्छी है, ऑनेस्ट है, खूबसूरत है, लेकिन हमारे माशरे में लड़की की कौन सुनता है? लड़की को तो सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ना। एनीवेज, ऐसी कोई अनबन होती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। आगे चल के लड़की एक बहुत बड़ी फर्म की मालिक बन जाती है, जबकि लड़का एक फटीचर से न्यूज़ चैनल में बैठ के खबरें पढ़ता है और अपने करियर से मज़ीद फ्रस्ट्रेट होता चला जाता है। फिल्म की शुरुआत में ये दोनों उसी न्यूज़ चैनल में मिलते हैं जहाँ लड़की चैनल के बिग बॉसेस से डील फाइनलाइज करने आई होती है। इसके आगे आपको मैं और कुछ बता नहीं सकती फिल्म के बारे में। तो जहाँ ये लोग पढ़ते हैं वहाँ एक और कैरेक्टर भी था मेरे ख्याल से, जिसके पास फोर व्हीलर थी और बाप का बहुत सारा पैसा था, और वो लड़की में इंटरेस्टेड। मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ है आगे स्टोरी में? नहीं, कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। राइटर और डायरेक्टर ने इस पहलू पर भी सोचा था, लेकिन तय ये हुआ कि ये बहुत ही टिपिकल सा शक है मर्दों का, और हमारी कहानी का हीरो तो लूजर है। ये गलत है। क्या? मेरा मतलब है कि कहानी बहुत बोरिक और वन डायमेंशनल लग रही है। जिस जिस खुदा के मानते गाने भी जा यार, तू गाने भी जा। गाना इस सिचुएशन में, फिल्म में कोई गाना है? नहीं, इस सिचुएशन पे कोई गाना नहीं है। तो फिर सेल्फिश या सेल्फ इंडल्जेंट पे कोई गाना है? क्यों, आपको क्यों लगता है होना चाहिए? क्योंकि इस फिल्म की हीरोइन सेल्फिश नजर आ रही है, और दूसरों को लूजर्स कहने वाले आमतौर पर अपनी सेल्फिशनेस को छुपाने के लिए सिंसियर लोगों को ये लेबल्स देते हैं। ये गलत है। दूसरों को सेल्फिश कहने वाले अपनी नाक से आगे तो देख नहीं सकते, और अगर ऐसा ही है तो वो दूसरों की जाती जिंदगी में क्यों घुसते हैं? कौन किसकी जिंदगी में घुसा है? हमारी फिल्म का लूजर हीरो लड़की का फोन चेक करता है, इनसिक्योर है। आजकल के जमाने में ऐसा करता कौन है? तो हीरोइन ने भी उसका फोन चेक किया होगा। ये टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल नहीं। गाना सुनोगी? नो। लिसनर्स गाना सुनिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, 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 सब ठीक। स्ट्रेस हो रहा है? फ्राइडे को मेरा मैच है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं।
वेलकम बैक लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं आयमा खान से जो हमें अपनी आने वाली फिल्म के बारे में बता रही हैं। तो इसे डायरेक्ट किसने किया है? यकीनन किसी ऐसे शख्स ने किया होगा जो लूजर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिल्म को डायरेक्ट किया है शाविज खान ने, जो कि मेरी नजर में इस वक्त सबसे टैलेंटेड और लीडिंग डायरेक्टर्स में से एक है। फिल्म उनकी पहली है, लेकिन टीवी के लिए वो बहुत काम कर चुके हैं। टीवी में जरा कम देखता हूँ, लेकिन ये नाम काफी सुना सुना लग रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने भी मैस कम्युनिकेशंस में डिग्री हासिल की है। जी, आप तो बहुत सही ना। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, कभी गुरूर नहीं किया। आप पे सजेगा भी नहीं। क्या गुरूर? शाविज के बारे में बताइए तो, क्या उन्होंने शादी कर ली? शादीशुदा है वो? इस सवाल का फिल्म से क्या ताल्लुक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शादी के बाद उनको क्रिएटिव जिंदगी ज्यादा बेहतर समझ में आने लगती है, लेकिन आई एम श्योर कि शाविज के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जी नहीं, उसने शादी नहीं की और ऐसा कुछ नहीं होगा उसके साथ। डिफेंड कर रही हो? हाँ, क्योंकि वो डिफेंड करने के काबिल है, एंबिशियस है, और एंबिशियस लोग ही आगे बढ़ते हैं दुनिया में। कामयाबी भी एक रिलेटिव टर्म है। जी नहीं, नाकामी और कामयाबी दिखाई देती है, यू कैन सी देम। ज़हीन आदमी वही होता है जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी को बनाता है। जिसके बाप के पास करप्शन के अरबों रुपए हो ना, उसके लिए कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लेट में मिलती है प्लेट। प्लेट में कोई किसी को भीख भी नहीं देता। अबे कमीने, अब समझा। लेकिन तू शो की मां-बहन क्यों कर रहा है? मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए एंबिशन सिर्फ एक लफ्ज है, मेहनत हम जैसे लोग करते हैं। आवाज से लोगों को इम्प्रेस करना कोई मेहनत का काम नहीं है, और इस मेहनत से कंफर्ट भी हासिल नहीं होती। आजकल की हर लड़की को कंफर्ट चाहिए होता है, उन लड़कियों को भी जिनको डिसकंफर्ट का डिस भी नहीं पता होता। कंफर्ट की वो लोग तो बात ही ना करें जो रेस्टोरेंट में जाते ही पहला सवाल वहाँ का वाईफाई और पासवर्ड मांगते हैं। उससे फोन का क्रेडिट बचता है। क्लासिक लूजर मूव। तुमने दोबारा ये लफ्ज कहा ना, तो क्या करोगे? तो मैं क्या, मैं गाने पे जाऊंगा। कौन सा गाना? तुम कौन सा सुनोगी? एड शीरन का कोई भी लगा दो। आइए सुनते हैं अलन फकीर का गीत। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं आयमा खान से। तो आयमा जी, जी क्या आपकी फिल्म में कोई ऐसा सीन है जिसमें हीरोइन हीरो की कॉल्स का जवाब ना दे रही हो? जी, ऐसा वो तब करती है जब हीरो उसके तीन मैसेजेस का जवाब नहीं देता। जब कोई किसी को टेक्स्ट में पॉटी का इमोजी बनाकर भेजेगा तो बंदा क्या जवाब देगा? हाँ, तो हीरो को खुद सोचना चाहिए ना कि दो लोगों की आपस की बात तीसरे तक क्यों पहुंची। वो हरकत डायरेक्टर की थी। डायरेक्टर? शावेस की। रॉन्ग। राइट। रॉन्ग। राइट। तुम चाहो तो निमरा से पूछ लो। देखा, आ गया ना बिच का नाम। रोक दो, रोक दो इस ट्रांसमिशन को, रोक दो, रोक दो। ज़बान पर काबू रखो इमो। क्यों, तुमने उस पे काबू नहीं रखा तो मैं अपनी ज़बान पे क्यों काबू रखूं? मैं ये कह रहा हूँ। Superb show, babe. Very unique. Hi, I'm Faraz. I'm starting a new channel. मेरे साथ काम करोगे? We can rock it, man. चलो. Okay, call me, man. Bye. My fiance.